नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल तेज निगाहें। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बी ब्लॉक यमुना विहार स्थित खजाने इंस्टीट्यूट में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला और लड़कियों के द्वारा निर्मित वस्तुओं से लगाई गई। इसका जायजा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्थानीय निगम पार्षद एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी जोन के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने लिया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यमुना विहार B2 ब्लॉक स्थित खजानी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट केवल महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कारगर है। इस इंस्टीट्यूट में आर्ट एंड क्राफ्ट, स्टेचिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन एंड एम्ब्रॉयडरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर, कंप्यूटर साइंस, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटिशन, ऑफिस मैनेजमेंट सहित अनेकों कोर्स सिखाए जाते हैं, जिन्हें सीख महिलाओं के लिए अनेकों क्षेत्र में नौकरी के अवसर खुल जाते हैं। नौकरी न करने की इच्छुक महिलाएं खुद का व्यवसाय कर सकती हैं। इस प्रदर्शनी का जायजा ले रहे शाहदरा उत्तरी जोन चेयरमैन व यमुना विहार के निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता और इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर भावना लीन ने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। तो 3 साल से लगातार यहाँ पर भावना खजानी इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ। क्या पूरा नाम क्या रखते हैं? खजानी वुमेंस वोकेशनल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर ये जो मोस्टली जो वुमेंस हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको वेकेशंस के अंदर अपने टाइम का कैसे सदुपयोग करें और उसको प्रैक्टिकली हम लाइफ के अंदर कुछ सीख कर समाज के बीच में अर्निंग कैसे कर सकें, हम कैसे आगे बढ़ सकें, उस तरह का यहाँ पे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ लगातार बहुत इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हो रही है और इस बार देख के बड़ा अच्छा लगा कि पहले से भी अच्छा। और जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ से निकल के जो बच्चे आगे जा रहे हैं, जो यहाँ ट्रेनिंग यहाँ से सीख के जा रहे हैं, उनकी जॉब प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है। उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स भी खुद खोले हैं, अपनी सेल्फ वर्क भी किया है, स्वरोजगार के साधन यहाँ से उत्पन्न करा रहे हैं। सही मायने में जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारा भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, तो ज़रूरी नहीं हम जाके कहीं जॉब करें, हम स्वयं अपना स्वरोजगार, छोटे से छोटा भी धंधा हो सकता है, उसे कर सकते हैं और उस कार्य को करने में। खजानी पिछले 14 सालों से यमुना विहार के अंदर काम कर रहा है और हर साल हम यहाँ पे हमारे जो बच्चे काम करते हैं, जो बच्चे यहाँ पे सीखते हैं, उनका जो वर्क होता है हम उसे यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाते हैं। यहाँ पे हम बताते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों को काम सिखाते हैं, बच्चा काम सीख के आगे क्या कर सकता है, लाइक किस तरह का जॉब उसे मिल सकता है, कहाँ वो प्लेसमेंट कर ले सकता है या अपना काम किस तरह कर सकता है। आज जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, बेसिकली वो बाहर अगर नहीं जाना चाहते या उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो एटलीस्ट अपने घर पे रहकर बहुत सारे काम कर सकती हैं या खुद को कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज खजाने में करवाए जाते हैं और उन्हीं का ही आज एग्जीबिशन है हमारा यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यमुना विहार में कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए काम करता हो। खजानी एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो कि पिछले 14 सालों से यमुना विहार के अंदर और पिछले 17 सालों से दिल्ली और NCR के अंदर काम कर रहा है, वो कि सिर्फ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग काम करते हैं। और हमारा मेन जो मकसद है, जो हमारा मेन मोटिव है, वो इतना ही है कि बच्चों को या जिन लड़कियों को हम पढ़ाते हैं वो आगे जाके उनको प्लेसमेंट मिले, जो कि मोस्टली यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में आप जाएंगे उनको प्लेसमेंट या तो नहीं दिया जाता है या उनको इस तरह के स्किल कोर्सेज नहीं करवाए जाते हैं। आपको यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्लासेस मिलेंगी या फिर कंप्यूटर कोर्सेज मिलेंगे, बट केवल एक महिलाओं को समर्पित कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ यमुना विहार में नहीं है जो कि सिर्फ खजानी है। पे अभी फैशन डिज़ाइनिंग कराते हैं, साथ में गारमेंट कंस्ट्रक्शन हम लोग कोर्स कराते हैं। इसमें हमारा ब्यूटी वेलनेस का प्रोग्राम है, टीचर्स को ट्रेन करने के लिए नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कराते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे यहाँ प्रोग्राम है, ड्रेस डिज़ाइनिंग प्रोग्राम है। इसी तरीके से बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल और अच्छा करने के लिए हम लोग सॉफ्ट स्किल यानी कि स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज और कंप्यूटर कोर्सेज भी यहाँ पे कराते हैं। भले ही सरकार महिलाओं और बेटियों के लिए रोजगार अवसर पर अनेकों योजनाएं चला रही हो, मगर इस तरह के इंस्टीट्यूट भी महिलाओं और बेटियों को रोजगार के क्षेत्र में अनेकों अवसर मुहैया करा रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम भी बेखूबी से निभा रहे हैं। संदीप कुमार के साथ प्रिया शर्मा, तेज निगाहें दिल्ली। तेज निगाहें के दर्शकों से अपील है, जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक और शेयर और अपने कमेंट करना ना भूलें। आप दीजिए संदीप कुमार को इजाजत। नमस्कार।